नमस्कार सभी मेरे युवा साथी एवं मेरे बिजनेसमैन, सभी को मैं विक्रम लोधा आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का वेलकम। तो आपने अभी तक YouTube चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं आप सभी को इसी तरह की रोज़ाना एक से एक आपको नॉलेज अपडेटिंग की वीडियो दे सकूं, उसका अपडेट दे सकूं। तो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, उसको आप अच्छे से समझना और उसको माइंड के अंदर रियलिटी में नोट डाउन कर लेना। तो दोस्तों, जो मैं आपको बात कहने वाला हूं कि आज के समय में जो युवा रोजगार की दौड़ में भाग रहा, माय डियर फ्रेंड्स, रियलिटी में नो डाउट रोजगार के पीछे भागना भी चाहिए, राइट है, आप बिल्कुल सही जगह पर हो। एजुकेशन लेना चाहिए, एजुकेशन के बाद रोजगार के पीछे भागना चाहिए, रोजगार लेने के बाद अपनी लाइफ सिक्योर हो जाती है, नो टेंशन, है ना। मैं भी आपके तरह ही हूं कि रोजगार लेने के बाद लाइफ सिक्योर कर लेनी चाहिए, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, आप सभी आज के समय में सोशल मीडिया नेटवर्क से कनेक्टेड हो, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, है ना, ट्विटर वगैरह, आप सभी इस तरह के सोशल मीडिया पर आप अपडेट्स देखते हो कि कितने लोगों की आबादी है, कितने लोगों की संख्या है, प्रतिवर्ष कितने युवा ग्रेजुएट होकर के निकलते, इतना तो आप सभी को पता ही है। तो इतने लोग ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं पर ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग इतने रोजगार नहीं आते, इतने जॉब नहीं आते, है ना। और आपने कुछ सुना भी होगा कुछ समय पहले कि दिल्ली के अंदर तो युवाओं को सेल्फ डेवलप करने के लिए कुछ इस तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि युवा रोजगार के पीछे ना घूमे, सेल्फ बिजनेसमैन बने, वो कैसे क्रिएट हो पावे, उसके लिए व्यक्ति कैसे दौड़े, तो उसके लिए भी दिल्ली के अंदर भी कुछ ऐसा चलाया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सीधा सीधा एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज के समय में जो बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है वो मात्र एक ही इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही बेस्ट इंडस्ट्री, फ्यूचर इंडस्ट्री है, अपना रियलिटी में आप सभी का फ्यूचर बना देता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होता है, इसके अंदर कोई एज की जरूरत नहीं होती, किसी से एज नहीं पूछा जाता, यानी 18 प्लस है, नो टेंशन, कितने भी साल का हो, 80, 90, 100 साल, कितना भी हो, बस उसका माइंड बिजनेस माइंडेड होना चाहिए, उसको इतना पता होना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना है, मैं कर सकता हूं। आज के समय में अगर अपने को घर को चलाना भी है तो 30-40 हजार से घर मेंटेन नहीं हो पाता, उसके लिए 70-80 हजार, 90 हजार, यानी कि प्लस के इनकम पर आपको पहुंचना बहुत जरूरी है, तो वो रोजगार से संभव नहीं है। मतलब आपको बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी अलग फील्ड से। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए, है ना, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में आइए, आप किसी और बिजनेस को भी क्रिएट करके भी आप बिजनेस ओनर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। जब आप बिजनेसमैन बनोगे तो रियलिटी में आपकी लाइफ सिक्योर हो पाएगी, नहीं तो आप इसी तरह से भ्रमित होकर के रह जाओगे। मैं किसी भी चीज को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आप बिजनेसमैन बन जाइए, क्योंकि आप रियलिटी में और आपको बिजनेस करना है, तो स्वाभाविक है मैं डायरेक्ट सेलिंग का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें शुरुआत करने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होती, कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। लेकिन आप मार्केट के दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा भी अगर बिजनेस करने जाओगे, उसके अंदर 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख प्लस में उसका इन्वेस्ट आपको चाहिए चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंट है, वो ऑलरेडी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, उसके पास इतना बड़ा इन्वेस्ट असंभव है, इम्पॉसिबल उसके पास नहीं होगा, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, सेल्फ अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपन को ग्रोथ करनी है तो मात्र एक ही इंडस्ट्री है बिजनेसमैन बनाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेस्ट है जो कि FMCG के ऊपर वर्क कर रही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो कि इतने फास्ट ग्रोथ कर रहा है, इतना फास्ट ग्रोथ कर रहा है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर गवर्नमेंट के रूप में भी वर्क करने जा रहा है। बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क कर भी रही है, और नहीं भी कर रही है वर्क, तो उसको कुछ ही समय के बाद गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आउट हो जाएगी, उसको निकलना पड़ेगा मार्केट से, बंद होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री युवाओं को रोजगार देने का काम करे, ग्रेजुएट करने का काम करे, गाइडेंस देने का काम करनी है, उनको आगे से आगे डेवलप करने का काम कर रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनको ऊपर उठाने का काम कर रही है, एक साथ नेटवर्क बना करके शक्तिशाली बनाने का काम कर रही है, वो मात्र एक ही इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आप रियलिटी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को
मजाक में मत लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि विक्रम जी, विक्रम सर, जो भी आप हो, वो गलत बात कह रहे हैं, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है आपको पता चल जाएगा, जमीन खिसक जाएगी रियल गेम आपके पाँव के नीचे से, क्योंकि हिमाचल के अंदर सोलानिया यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा तो डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज चालू हो चुके हैं। एक एक लाख, दो दो लाख की डिग्री देने के बाद भी आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो अभी भी आपके पास समय, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, तो आप इसके अंदर आपके नियर डियर जो भी है, किसी ना किसी प्रकार से आप उनसे इन्वॉल्व होइए, उनसे बातचीत कीजिए, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आइए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट इंडस्ट्री है। आप इसके अंदर आइए, और आपको इससे रिगार्डिंग और कुछ भी सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का आपका श्योरिटी के साथ जवाब दूंगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।